हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर नंबर 4। जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इंडिया फिजिकल। इसमें आता है हमारे पास सेल्फ सर्वे, दो क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर फाउंड ऑन सी शोर्स, कि सी शोर्स पे क्या क्या फाउंड किया जाता है, इसको पढ़ेंगे आगे। कैन यू डिस्क्राइब द लैंड अराउंड यू, आपके अराउंड जो लैंड है आपके पास, जिस पे आप रहते हैं, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वो सबको आगे पढ़ेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं। लोकेशन ऑफ इंडिया, आर कंट्री इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इट इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। इट इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद एन एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया मेजर्स 3,214 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 2,933 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इंडिया इज द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी इंडिया जो है वो बहुत वास्ट कंट्री है। ये साउथ एशिया में लोकेट करती है। एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है, उसके जस्ट साउथ में। अब ये सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है हमारी वर्ल्ड की, और इसका एरिया अराउंड 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स में है। इंडिया हमारा जो है वो 3,214 किलोमीटर्स नॉर्थ से साउथ तक है एंड 2,933 किलोमीटर्स ईस्ट से वेस्ट तक है। इंडिया हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में, हाल ही में हुआ है, पहले चाइना था। इंडिया इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, अरेबियन सी इन द वेस्ट, द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। हमारा इंडिया बहुत सारी चीज़ों से सराउंडेड है। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल आता है, अरेबियन सी हमारा वेस्ट में आता है, हिमालयाज हमारे नॉर्थ में हो गए एंड इंडियन ओशन साउथ में हो गया। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे शो किया हुआ है इंडियन ओशन साउथ में है। नेबर्स ऑफ इंडिया, इंडिया शेयर्स इट्स ओन बाउंड्रीज विद मैनी कंट्रीज। दीज कंट्रीज आर नेपाल, भूटान एंड चाइना टू द नॉर्थ, पाकिस्तान टू द वेस्ट, अफगानिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट, बांग्लादेश एंड म्यांमार आर द टू ईस्ट एंड श्रीलंका इज इन द साउथ ऑफ इंडिया। अब इंडिया के बहुत सारे नेबर्स हैं, अब बहुत सारी कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करती है अपनी वो। नेपाल, भूटान और चाइना नॉर्थ में आते हैं, पाकिस्तान वेस्ट में आता है, वेस्ट लेफ्ट में है, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में आता है, बांग्लादेश और म्यांमार हमारे ईस्ट साइड में आते हैं जो राइट साइड में है, एंड श्रीलंका साउथ में आता है। अब एक पॉइंट पढ़ेंगे। द नेम ऑफ आर कंट्री इंडिया कम्स फ्रॉम द रिवर इंडस। जो हमारी इंडस रिवर हमारी हिमालयस के अराउंड हमारी बहती है, जो जम्मू कश्मीर के अराउंड है और देहरादून के पास है, उसे नाम पे हमारा इंडिया का नाम पड़ा। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया इज अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री। द लैंड सर्फेस ऑफ इंडिया वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट हैज़ हाई माउंटेन्स, वास्ट प्लेन्स, डेजर्ट ड्राई जो होते हैं एंड थिक फॉरेस्ट। इट ऑल्सो हैज़ मैनी रिवर्स एंड द लॉन्ग कोस्ट लाइन विद ब्यूटिफुल बीचेस। इंडिया हमारी एक बहुत ब्यूटिफुल कंट्री है, जो इसका लैंड सर्फेस है वो हर जगह में वेरी करता है। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर में पहाड़ी एरिया हो गया जहाँ हम रहते हैं, वो प्लेन एरिया हो गया, फिर साउथ में हो गया वो थोड़ा हमारा वैसा एरिया हो गया जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, थार डेजर्ट हो गया वो बहुत सूखा एरिया है। इस तरीके से हमारे पास थिक फॉरेस्ट भी आते हैं और बहुत ही लॉन्ग कोस्ट लाइन है हमारे पास जिसमें ब्यूटीफुल बीचेस भी आते हैं। इंडिया कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिवीजन्स और ज्योग्राफिकल रीजन्स। इंडिया अब 6 फिजिकल डिवीजन्स में और ज्योग्राफिकल डिवीजन्स में डिवाइड होता है। ये आते हैं हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स जो यहाँ पाए जाते हैं, फिर हमारा वेस्टर्न डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट जो राजस्थान में पाया जाता है जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन्स आ गए हमारे जहाँ पे हम रहते हैं, ये हमारा ग्रीन एरिया, फिर सदर्न प्लेट्यू आ गया, सदर्न प्लेट्यू हो गया हमारा जो आपको पिंक एरिया दिख रहा है पूरा ये वाला, उसके बाद आ गए आपकी कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स हो गए आपके हमारे बीचेस वगैरह, एंड लास्ट आते हैं आइलैंड्स जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स, अ माउंटेन इज अ लार्ज मास ऑफ अर्थ दैट प्रोजेक्ट्स वेल अबव इट्स सराउंडिंग्स। द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया हैज अ वेरी हाई माउंटेन्स। The world's largest mountain ranges called the Himalayas are located here. It has some of the highest peaks. Mount Everest in the Nepal, highest peak of the Himalayas range. The capital of this region is very cold. Most of the peaks are covered with snow throughout the year. The melting snow gives rise to many big rivers like Ganga, Indus, Yamuna and Brahmaputra. Shimla, Kullu, Nainital and Darjeeling आर द मोस्ट ब्यूटिफुल हिल स्टेशन लोकेटेड हेयर। हमारे माउंटेन्स हैं वो लार्ज मास है अर्थ के जो प्रोजेक्ट करे गए हैं अपनी सराउंडिंग्स के थोड़े से ऊपर। हम तो रहते हैं प्लेन्स पे नीचे, पर माउंटेन्स बहुत ऊपर हैं
वो अर्थ जो है जब कोलिजन हुआ था इंडिया और चाइना भाई कंट्रीज का, तब बने थे। नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हाई माउंटेन्स हैं। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है उसे हिमालय कहते हैं, जो हमारे हमारे इंडिया में ही है और ये लोकेट किया जाता है हमारे पास ही। अब इसके पास बहुत ही हाईएस्ट पीक्स हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया नेपाल में, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है हिमालयन रेंज की भी। अब यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, जो सारी ज़्यादातर पीक्स हैं वो स्नो से कवर्ड रहती हैं पूरे साल भर। अब इनका जो मेल्टिंग होता है वो बड़ी बड़ी रिवर्स बनाता है, जैसे गंगा, इंडस, यमुना, ब्रह्मपुत्र। शिमला, कुल्लू, नैनीताल और दार्जिलिंग जो है मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन हैं जो इसके आसपास लोकेटेड हैं। वेस्टर्न डेजर्ट, डेजर्ट इज अ सैंडी एरिया विच रिसीव्स अ वेरी लिटिल रेनफॉल। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दिस रीजन इज हॉट, ड्राई एंड रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। हार्डली एनी क्रॉप्स और ट्रीज आर फाउंड इन दी थार डेजर्ट। द समर्स आर वेरी हॉट, इन विंटर्स इन द नाइट्स आर बिटरली कोल्ड। कैमल्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज वाई द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। अब हमारा वेस्टर्न डेजर्ट है वो बहुत सैंडी एरिया है और उसमें बहुत कम रेनफॉल आती है। हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं वो वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है इंडिया के। रीजन बहुत ही हॉट, ड्राई और बहुत कम रेनफॉल आती है इसके पास। यहाँ पे हार्डली एनी क्रॉप्स और ट्रीज हैं थार डेजर्ट में, बस एक आपका कैक्टस पाया जाता है। समर्स में बहुत ज़्यादा हॉट होता है, विंटर्स में नाइट्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होती हैं और कैमल्स यहाँ पे यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसलिए कैमल को डेजर्ट का शिप बोलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स, अ प्लेन इज अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट एंड लेवल्ड लैंड। मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू प्लेन्स, प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। अ प्लेन एक लार्ज एरिया होता है फ्लैट और लेवल लैंड का। फ्लैट और लेवल लैंड यानी बिल्कुल एक सीधी लैंड। मैनी रिवर्स जो फ्लो करती हैं प्लेन से ही फ्लो करती हैं, जैसे हमारी गंगा वगैरह हो गई। फिर प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं क्योंकि ये बेस्ट सूटेड होते हैं रहने के लिए। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड टूवर्ड्स द साउथ ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। दीज प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया के लोकेट करे जाते हैं साउथ ऑफ हिमालयाज के। हिमालयाज तो नॉर्थ में ही है, पर हिमालयाज का जो साउथ पॉइंट है वो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया का। ये प्लेन्स गैंगेटिक, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी बोले जाते हैं और ये पंजाब से वेस्ट में एक्सटेंड करते हैं आसाम के ईस्ट तक। द प्लेन्स आर फ्लैट विच आर वाटर्ड बाय द हिमालय रिवर्स सच एज द गंगा एंड द यमुना। दीज रिवर्स ब्रिंग वेरी फाइन सॉइल कॉल्ड सिल्ट, मेकिंग द एरिया वेरी फर्टाइल। एज अ रिजल्ट plenty of crops are grown here which make the region rich, many people live and work here. अब जो हमारी प्लेन्स हैं वो फ्लैट होती हैं और वो हिमालयन रिवर्स से वाटर होती हैं। रिवर्स के नाम क्या क्या हैं? गंगा और यमुना। अभी ऊपर बताया था जैसे मैंने आपको, ये रिवर्स फाइन सॉइल लेकर आती है जिनको हम सिल्ट बोलते हैं, जो एरिया को फर्टाइल करती है। अब इसके रिजल्ट में बहुत सारी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो हो सकती हैं और रीजन जो है वो हमारा रिच होता है बहुत ज़्यादा इसमें क्रॉप्स में। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते भी हैं और काम भी करते हैं। फार्मर्स ग्रो वेरियस फूड क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, कॉर्न एंड शुगर केन इन दीज प्लेन्स। दीज आर सप्लाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दिस रीजन इज कॉल्ड द फूड बोल ऑफ इंडिया। जो फार्मर्स हैं वो फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं यहाँ पे, जैसे कि राइस, वीट, कॉर्न और शुगर केन, लेकिन इन प्लेन्स में ये सप्लाई करे जाते हैं अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में। इस रीजन को हम फूड बोल ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब आते हैं सदर्न प्लेट्यू पे। अ फ्लैट लैंड दैट इज अ लिटिल हायर देन द सराउंडिंग प्लेन्स इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। द प्लेट्यू रीजन लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। इट कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया एंड इज ट्राइंगुलर इन शेप। इट इज ऑल्सो नोन एज द डेक्कन प्लेट्यू। अब एक फ्लैट लैंड जो थोड़ी सी ज़्यादा हाई है और जिसपे प्लेन सराउंड करते हैं उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। अब प्लेट्यू रीजन लाइज करता है नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में, नॉर्थ का जो प्लेन है उसके सदर्न में लाई करता है। अब ये मेजर पार्ट लाइक हमारा कवर करता है पेनिनसुलर इंडिया का और ये ट्रायंगुलर शेप में है, कुछ ये ऐसा दिखता है जैसे आपको शेप में दिख रहा है। अब इसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। अब इसको पढ़ते हैं आगे कि इसमें क्या क्या हमें मिलता है। डेक्कन प्लेट्यू इज रॉकी एंड अनइवन एंड हैज मैनी हिल्स। द सॉइल इज नॉट वेरी डीप। द डेक्कन प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब डेक्कन प्लेट्यू रॉकी है, अनइवन है और इसमें बहुत सारी हिल्स भी हैं। यहाँ पे सॉइल बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, डीप नहीं है। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो रिवर्स जो है ड्रेन करती हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा
एंड कावेरी, यानी इसके आसपास से चार रिवर्स गुजरती हैं, आते हैं कोस्टल प्लेन्स पे। अ प्लेस वेयर द लैंड मीट्स विद द सी इज कॉल्ड अ कोस्ट। प्लेन्स अलॉन्ग अ कोस्ट लाइन आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स एंड आर फाउंड अलॉन्ग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। दीज प्लेन्स जॉइन एट कन्याकुमारी द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे सी और लैंड मीट करते हैं उसे हम कोस्ट कहते हैं, और जो कोस्ट लाइन पे प्लेन्स हमारे लाए करते हैं उन्हें हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, जो कि ईस्ट और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। अब ये प्लेन्स कन्याकुमारी पे ज्वाइन होते हैं जो कि सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया है। आइलैंड्स, एन आइलैंड इज अ मास ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। इंडिया हैज़ टू आइलैंड ग्रुप्स। ऑन द ईस्टर्न साइड द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विच आर फाउंड इन द बे ऑफ बंगाल आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब एक आइलैंड जो होता है वो एक मास होता है लैंड का जो बहुत सारे पानी से सराउंड होता है और बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप बना के एक बड़ा आइलैंड बनता है जो कि बे ऑफ बंगाल में है, उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वो एक इंडिया का पार्ट ही है। अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड इन द अरेबियन सी आर कॉल्ड लक्षद्वीप। अब एक और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो इंडिया का ही पार्ट है, वेस्टर्न साइड पे है, अरेबियन सी में है, उसे हम लक्षद्वीप बोलते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। इसके क्वेश्चन आंसर्स पे जल्दी से आते हैं, तो फर्स्ट पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। वेयर डज द लैंड मीट विद द सी, तो लैंड जहाँ पे सी से मीट करती है उसे हम बोलते हैं कोस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डैश इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज। हिमालय में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेम ऑफ आर कंट्री इंडिया कम्स फ्रॉम द रिवर, ऐसी कौन सी रिवर है जिससे हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है? उसे है इंडस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द डैश इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ल्ड्स हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस डैश आर लोकेटेड इन इंडिया। अब जो हाइएस्ट माउंटेन रेंज है हमारी उन्हें कहते हैं हम हिमालयस। डैश इज अ सैंडी एरिया विच रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल, इसका नाम है डेजर्ट। अफगानिस्तान इज टू द डैश ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान इंडिया किस तरफ पड़ता है? नॉर्थ वेस्ट में। द डैश प्लेट्यू इज रॉकी एंड अनइवन एज मेनी हिल्स, इसका आंसर है डेक्कन प्लेट्यू। Write true or false for the following statements. The Deccan Plateau is in peninsula. True. The Arabian Sea is to the east of India. अब जो हमारा east है वो west की, west Bengal की तरफ होता है, west Bengal की तरफ हमारा Arabian Sea ही पड़ता है, तो ये है correct. True. India measures 3214 from north to south. True. लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन ईस्टर्न अरेबियन सी, तो इसको हम कंफर्म करेंगे कि हमारा लक्षद्वीप आइलैंड किस साइड पड़ता है, तो लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है हमारा अरेबियन सी के वेस्ट साइड पे, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मेरे साथ बस लगे रहिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।